हेलो गाइस, हियर आई एम अंकित दागा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मारुति सुजुकी इग्निस। पर्सनली ये जो वेरिएंट देखने वाले हैं ये बिल्कुल बेस्ट वेरिएंट है, यानी कि सिग्मा। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे से कुछ हेडलैम्प मिल जाते हैं, अब आपको एलईडी डीआरएल वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो इसकी ग्रिल है वो आपको क्रोम में मिलेगी, क्योंकि इस कार की जो लुक्स बनाती है वो मेन इसकी ग्रिल्स ही बनाती है। इस कार के जो रियर लुक है वो तो लोगों के सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन फ्रंट से देखने में कार काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ आती है। ज़्यादातर इसके रोड पर जो वेरिएंट दिखते हैं वो या तो आपको जेटा दिखेगा या फिर अल्फा दिखेगा, क्योंकि इसका जो ये वाला वेरिएंट है बहुत कम सेल होता है, बेस वेरियंट, और इसकी जो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा रखी गई है। मतलब एज़ कम्पेयर टू इतने में इसकी स्विफ्ट आ जाती है तो लोग इसे क्यों ही लेंगे भाई। नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है इस कार में आपको। यहाँ पे बेस वेरियंट है तो फोगलेम वोगलेम आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेंगे। आपको स्टील रिम्स मिलते हैं सिल्वर कलर के, और इनकी जो टायर प्रोफाइल है यहाँ पे आपको टायर जो भी अलग से कंपनी के मिलते हैं, और इनकी जो प्रोफाइल है आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसमें आप 175/65R13 के टायर आपको यहाँ पे मिलते हैं, और उनकी प्रोफाइल आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिला, बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको जो ORV में अच्छी बात यह है कि आपको बॉडी कलर दिए गए हैं। यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं की, यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORVM दिए हैं। वही बॉडी कलर डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। मतलब कंपनी इसने कॉस्ट कटिंग के नाम पे इतना नहीं किया। जिस वहीं आप स्विफ्ट का बेस वेरियंट लेंगे तो उसमें आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलेंगे, तो कंपनी मतलब थोड़ा बहुत तो देखती ही जा रही है। जिसकी प्राइसिंग है वो आपको ऑन रोड कम से कम 680-670 के साथ लगभग कॉस्ट करेगी। यहाँ पे आपको फ्यूल लीड, इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसकी जो रियर लुक्स है वो सब्जेक्टिव है, मतलब मुझे तो अच्छे नहीं लगे इसके रियर लुक्स। इसमें स्पॉइलर लगने के बाद हालांकि इसके लुक्स थोड़े अच्छे बन जाते हैं। इसके जो टायर है वो काफ़ी पतले पतले, उस हिसाब से इसके लुक्स बिगड़ने पर आपको इंग्लिश की ब्रांडिंग मिलेगी, सुजुकी का लोगो, नेक्सा के अंदर आती है तो नेक्सा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है इसका लोगो, क्योंकि बेस वेरियंट है तो आपको यही मिलेगा। इसकी जो बूट स्पेस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलती, क्योंकि बेस वेरियंट है। अनदर वही बात, इसमें आपको हेडरेस्ट भी नॉर्मली मिलेगी, जो कि एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिल जाती है, छोटी मोटी चीज़ें, और बेस वेरिएंट को लेना भी प्रीफर करता नहीं आज की तारीख में, मतलब वो भी पर्सनली इग्निस का। लेकिन फिर भी जो कंपनी बना रही है तो इसका जो कुछ सोच समझ के ही बना रही होगी, क्योंकि इसकी प्राइसिंग में आपको स्विफ्ट मिल जाती है तो लोग इसे क्यों ही लेंगे। सेम प्रोफाइल का टायर आपको यहाँ पे मिलता है, इसमें आपको जो थोड़ी प्रोफाइल इसकी कम मिलती है, जैसे 175, तो ये 165 आपको थोड़ा सा पतला टायर मिलता है, तो वही आपको यहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। बेस वेरिएंट हालांकि, तो बेस वेरिएंट की इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको ये ऑन रोड कहीं ना कहीं जाके 6-6.5 लाख तक का कॉस्ट करता है, तो उतने में मुझे कहीं से कहीं तो ये वर्थ लगा नहीं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। टेल लाइट, इसकी जो टेल लाइट है वो देखने में काफ़ी अच्छी नज़र आती है, बस इसके रियर लुक्स बिगाड़ती है। यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, इसके रियर लुक्स मतलब कंपनी ने उस ऑब्जेक्टिव देखो भाई, पहले रीड्स आती थी उसके लुक्स किसी को पसंद थे किसी को नहीं थे, लेकिन मुझे उसके लुक्स पीछे से ज़्यादा अच्छे लगती थी वो कार। मतलब एकदम मस्त थी, मतलब सबके सब्जेक्टिव लुक्स होते हैं, किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं आएंगे। फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे उससे कुछ इसका डोर पैनल मिल जाता है। यहीं पे आपको बोतल होल्डर, ग्रेब हैंडल, पावर विंडो के दो पावर विंडो मिलते हैं, दो पावर विंडो के स्विच, लॉक अनलॉक, ऐसा कुछ। यहाँ पे आपको जो पियानो ब्लैक में नहीं मिलेगा, आपको ये नॉर्मल ब्लैक में मिलता है, आपको पियानो ब्लैक में नहीं मिलता है। बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको कोई डंडी वगैरह नहीं मिलती, आपको और हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एस्प्रेसो टाइप ये मिलती है, इसके एसी वेंट्स, मीटर कंसोल, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल, साइड वाइपर के कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील जो अल्टो में आता है अभी वाला स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील है मारुति की दो चार गाड़ियों में आता है, जो कि आपको पता है ये अल्टो, सेलेरियो हो गई, इनमें आपको वेगनार हो गई, इनमें आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है, जिसपे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। इस साइड आपको सनवाइजर मिल जाता है, इस पर भी आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। ये आपको हेड केबिन लाइट मिल जाती है, आपको मैनुअली एडजस्टेड IRVM मिलेगा, इसमें आपको कोई ऑटो का फंक्शन नहीं मिलेगा, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। बेस वेरियंट है तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। AC मिल जाता है, मतलब इस कार में आप बोल सकते हो आपको इंजन, AC और 5 जनों के बैठने की सीट जगह मिल जाएगी, और आपको फीचर वीचर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। गियर लेवल बिल्कुल ब्लैक मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, हैंड ब्रेक, ग्लव बॉक्स, जो कि ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, मतलब प्रैक्टिकल आप एक तरीके से देख सकते हो। इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा रखी गई है कंपनी ने, जैसे इनकी यहाँ पे आपको ग्रेब हैंडल मिलेगा, जो कि आप इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको जो इसका जो बोनट खोलने का बिल्कुल यूनिक सा, जैसे आपने देखा था, तो बिल्कुल यूनिक सा प्लेस इसको किया है कंपनी ने वालों ने। मतलब यहाँ पे बोतल होल्डर भी बिल्कुल यूनिक सा दिया है। रियर में आपको नॉर्मल विंडो मिलेगी, एडजस्टेबल आपको पावर विंडो यहाँ पे नहीं दी गई। बेस वेरियंट है तो आपको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। मेरी सिक्स सिक्स तो आपका लेग रूम कम्फर्टेबल, और हेड रूम ये भी सही है, ठीक ठीक ठाक हेड रूम में स्पेस आपको अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है, तो ठीक है आपका। इसमें स्पीकर के लिए जगह मिलती है, स्पीकर नहीं मिलता इसमें, क्योंकि आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम ही नहीं मिलता है। जैसे कि इसका हेड रूम लेग रूम आपने देखा है, तो इसमें आपको स्पेस स्पेस तो ठीक ठाक मिल जाएगी, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल आप कार इसको आप मान सकते हैं, लेकिन इसके जो लुक्स वगैरह है वो लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि इसमें इसको चाहिए कुल मिला के जनरेशन अपडेट। तो ये तो हो गई सारी फीचर्स वगैरह की बात, अब मेन बात कर लेते हैं इस कार की प्राइसिंग। तो इस कार की जो प्राइसिंग है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके इंजन स्पेक्स में आपको पिछले भाई पीछे वीडियो में आपको दिखाई चुका हूँ। तो आपको कार कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसी तरह वीडियो देखने के लिए अंकित चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।